नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने चेहरे को लेकर के बहुत परेशान रहा करती हैं, जैसे दाग धब्बे, झुर्रियाँ, और अपने चेहरे को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिससे आपके चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियाँ जल्द से जल्द दूर हो जाएगी और चेहरे पर एक नई चमक लाएगी। आप भी बोलोगे वाह क्या मैंने नुस्खे बताए, वो भी आपको मार्केट से बिल्कुल भी खर्चा करके पैसा नहीं लेना, वो आपके घर में ही आपके किचन उपलब्ध रहेंगे। पहले मैं अपने बाल को फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। मैंने अपने बाल फोल्ड कर चुके हैं। मुझे एक कॉटन भी लेना है और उसमें हल्का सा रोज़ वाटर डाल के अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेनी है। मैंने रोज़ वाटर अपने कॉटन में ले लिया है। उसके बाद मुझे ऐने की मदद से अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करनी होगी, जिससे हमारे चेहरे में जितनी भी गंदगियां हैं वो इस रोज़ वाटर के द्वारा निकल आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने रोज़ वाटर से अपना चेहरा को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे रोज़ वाटर से हमारा चेहरा कितना अच्छी क्लीन मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी निकल चुकी है। अब इसे फेंक देती हूँ मैं। हल्दी लेना है। हल्दी में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे चेहरे को बहुत अच्छा निखारने में मदद लाते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ा सा बेसन लेना है। अपने हिसाब से आप बेसन ले लें। हम 1 टीस्पून ने बेसन लिए हैं। उसके बाद 2 टीस्पून हमें वाटर लेना है। आप देख रहे हो गाइस मैंने कैसे दिया है, मैंने ले लिया है। उसके बाद मुझे 1/2 टीस्पून शहद लेना है, इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपको 1 टीस्पून रस लेने हैं टमाटर के। आप देख सकते हो मैं कैसे टमाटर का रस निकाल रही हूँ आधा काट के। आप ही इस तरह अपने स्पून में टमाटर का रस ज़रूर ले लें। टमाटर में चेहरे को निखारने में बहुत हेल्पफुल होते हैं टमाटर। उसके बाद हमें 1 टीस्पून नींबू का रस भी देना है। आप देख सकते हो गाइस मैंने कैसे मैं ले रही हूँ। 1 टीस्पून और ले लीजिए, मैंने ले लिया है। उसके बाद आप अच्छी से स्पून की मदद से इसे मिक्स कर दें। जैसे कि आप देख रहे हो गाइस मैंने मिक्स किया है अपने इसमें। अगर आपको स्पून से आप अच्छा से मैच नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद हमें अपने चेहरों पे अच्छे से स्क्रब 2 फिंगर की इसे हमें अपने चेहरे में लगा लेना है। जैसे कि गाइस आपने देखा मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से लेप लगा ली हूँ और इसे मुझे 15 से 20 मिनट तक आप सूखने दें अपने चेहरे पर। उसके बाद आप ठंडे पानी से उसको वॉश कर ले। वॉश करने के बाद आपको तुरंत इंस्टेंट आपको ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए, आपको एक बार तो नहीं लेकिन 2 या 3 या 4 बार में आपको ज़रूर से ज़रूर फर्क दिखना स्टार्ट लग जाएगा। अगर आपको मेरा ये बेदाग वाला चेहरा का टिप्स अच्छा लगा और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने और आप लोगों को बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद दिलाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन आप ही लोग दिलाते हो ताकि मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए नमस्कार।